प्रश्न पूछा गया है, शास्त्रों को प्रमाण के रूप में हम स्वीकार क्यों करें, शास्त्रों के ऊपर हम भरोसा क्यों करें। कुछ लोग कहते हैं कि किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू फॉलो एनी वन, एनी गुरु, एनी स्क्रिप्चर्स। तो यदि हम इनकी बात मान लें तो इन्हीं की बातें गलत सिद्ध हो जाएंगी। यदि हम इनकी बात मान लें कि हमें किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम इनको फॉलो कर रहे हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य अपने जीवन में बिना किसी न किसी को फॉलो किए नहीं रह सकता है, उसे किसी न किसी को तो फॉलो करना ही होगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्य व्यवस्थितो ज्ञत्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। शास्त्र मनुष्यों के लिए है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्रों को प्रमाण मानकर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बंधन का कारण है, क्या मोक्ष का कारण है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा? शास्त्र करेंगे। कर्म कर्तुम इहार्हसि, हमें अपने कर्मों को व्यवस्थित करना चाहिए। इस संसार में हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे चार वजह होती है, चार कारण होते हैं। पहला कारण है, या तो हम ट्रेडिशन यानी परंपरा के कारण हम करते हैं, परंपराएं में चली आ रही हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, पर परंपरा में आने वाली सभी चीज़ें परम सत्य हो आवश्यक नहीं है, कई ऐसी भ्रांतियाँ भी होती हैं। तो हर ट्रेडिशन में, चाहे वो इंडियन ट्रेडिशन हो, चाहे चाइनीज ट्रेडिशन हो, चाहे यूरोपियन ट्रेडिशन हो, हर जगह कुछ ऐसे मोरल स्टोरीज हैं। उन कहानियों के माध्यम से हमें शिक्षा दी जाती है कि देखो, लोभी व्यक्ति अपने जीवन में कैसे दुख पाता है, अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में कितना कष्ट पाता है, जो लोग अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखते उनका जीवन कितना कष्टप्रद होता है। लेकिन ट्रेडिशन का अर्थ होता है जो पूर्व में हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, उसको अभी वर्तमान में ढोना। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ बुरी भी हो सकती हैं, इसलिए हम परंपरा के ऊपर ज्ञान पाने के लिए भरोसा नहीं कर सकते कि यह ऐसी परंपराएं हमें परम सत्य का बोध कराएंगी। दूसरी वजह होती है कल्चर यानी संस्कृति। संस्कृति को फॉलो करने का अर्थ है वर्तमान में जो संस्कृति है, क्योंकि सभी लोग किसी कार्य को कर रहे हैं इसलिए मैं भी करता हूँ। जैसे कहते हैं, सिंस एवरी वन इज डूइंग दैट्स वाई आई एम ऑल्सो डूइंग। आप विशेष प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हो? मैं पूछूं महेश से, ये तुमने ये ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? तो बोलेगा, ये तो फैशन है, ये ट्रेडिशन, यही चल रहा है अभी। लोग अलग अलग प्रकार के पैंट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों के पैर बदल जाते हैं, पैर वही रहते हैं, लेकिन समय के साथ लोगों का पहनावा बदलता है, लोगों का खान पान बदलता है, जीवन शैली बदल जाती है। तो इससे भी हम कई चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन कल्चर के ऊपर भी हम भरोसा नहीं कर सकते कि जो कल्चर में हो रहा है वो सब सही हो रहा हो। दुनिया में कितने कल्चर हैं, तो यहाँ इससे भी हम सत्य का निरूपण नहीं कर सकते हैं। तीसरा है मूड, हमारा मूड है। मूड के कारण लोग कार्य करते हैं, मूड यानी मन। लेकिन मन परिवर्तित होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ। मन तो एक बंदर की तरह है, मन तो एक चंचल बच्चे के समान है। क्या हम बच्चों के मूड के ऊपर छोड़ देते हैं? हाँ, जब मूड हो तब पढ़ाई करना, जब मूड हो स्कूल जाना, ऐसा तो नहीं करते ना। तो हम अपने बच्चों के प्रति करते हैं, और न ही हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय मूड का ध्यान रखते हैं, हम उसे आवश्यक समझकर करते हैं। उसी प्रकार परम सत्य की अनुभूति ऐसे अपने मूड के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो ना तो हम ट्रेडिशन से, ना ही हम कल्चर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और ना हम अपने मूड पर भरोसा कर सकते हैं। चौथा है लॉजिक यानी कि तर्क संगत। हाँ, ये चारों में
कुछ बातें होती हैं जो तर्कसंगत होती हैं तो उस पर हम कुछ हद तक भरोसा कर सकते हैं, ये बातें चलो तर्कसंगत हैं तो स्वीकार्य है, लेकिन यह भी सही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं है, क्योंकि तर्क भी सीमित होता है। जैसे मानो शास्त्रों में बताया गया है गाय का गोबर पवित्र है, तो कोई व्यक्ति सोचे गाय तो एक पशु है, तो पशुओं में गाय पवित्र है, गाय का मल पवित्र है, तो मनुष्य में ब्राह्मण का मल और पवित्र होगा, क्या उसका तर्क सही होगा? तर्क झूठा सिद्ध होगा, गलत है। वैसे ही कहा गया है हड्डी अपवित्र है, हड्डी का स्पर्श करते ही व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, लेकिन शंख भी एक हड्डी है, तो शास्त्रों में कहा गया है हड्डी अपवित्र है लेकिन शंख पवित्र है, इतना पवित्र है कि भगवान के मंदिर के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन कोई सोचे अरे हड्डी शंख तो सामान्य है, क्यों ना मनुष्य की खोपड़ी रखी जाए मनुष्य तो कितना विकसित प्राणी है, लेकिन उसकी हड्डी अपवित्र है। तो वैसे ही मानो किसी डॉक्टर ने, एक मरीज आया उसके हृदय की घबराहट है, तो उसने एक मेडिसिन दे दिया मेटोप्रोलोल, ये लो, अब वो ठीक हो गया। फिर एक दूसरा पेशेंट आया, उसने कहा हाँ मेरे भी हृदय में बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रहा है, हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, उसने उसको वही दवा दे दी तर्क के आधार पर कि जब भी ऐसा हो तो ये दवा काम करेगी, पर दवा उसने काम ही नहीं किया, केवल काम ही नहीं उल्टा रिएक्शन हो गया, क्योंकि इस मेडिसिन का डायबिटीज़ के साथ कंट्राइंडिकेशंस था, साइड इफेक्ट आ गया। तो जैसे जैसे समय बीतता है मनुष्य के ज्ञान में भी वृद्धि होती है, तो पहले वो पता नहीं था। तो तर्क के आधार पर भी हम परम सत्य का अन्वेषण नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते, कुछ सीमा तक हम ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ हद तक हम जीवन में निर्णय ले सकते हैं ट्रेडिशन के कारण, कल्चर के कारण, मूड के कारण और अपने तर्कों के कारण, लेकिन इस सत्य का हमें अन्वेषण करना है इसलिए शास्त्र चाहिए। तो जिस प्रकार कोई भी यंत्र निर्मित किया जाता है तो उस यंत्र के निर्माण के पहले एक यूजर्स गाइड आता है, एक मैनुअल बनता है। तो जैसे हमें भूख लगती है तो भोजन उपलब्ध है, हैं जल चाहिए क्योंकि हमें प्यास लगती है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन उपलब्ध है, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर का हम कैसे उपयोग करें उसके लिए भगवान ने हमें स्क्रिप्चर्स दिए हैं, शास्त्र दिए हैं। मानो किसी फ्रेंड ने आपको एक कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिया और आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या, कैसे इसका उपयोग करना है, तो जब उसका हमें यूजर गाइड मिल जाता है तो फिर उसका उपयोग करना आसान हो जाता है। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा है, क्या मशीन से कम है, कितना कुछ चल रहा है, पूरे फैक्ट्री चल रही है हमारे शरीर में, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हृदय धड़कता रहता है, पूरा पाचन तंत्र सक्रिय रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सक्रिय रहता है। तो इस शरीर से हम क्या करें, हम जीवित क्यों रहें, हम जीवन यापन ही क्यों करें, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ प्राप्त होंगे, इसके लिए शास्त्र हैं। तो कोई आप पूछ सकता है कि ठीक है कितने शास्त्र हैं, कोई 2000 साल पुराने हैं, कोई 5000 साल पुराने हैं, तो अभी हम मॉडर्न एज में हैं, पोस्ट मॉडर्न एज में हैं, अभी हम इतने पुराने शास्त्रों को क्यों ढोएं, इनकी बातों में हम क्यों विश्वास करें। तो चाहे व्यक्ति प्रिमिटिव हो या मॉडर्न हो या पोस्ट मॉडर्न हो, जीवन की मूल समस्याएं एक जैसी ही हैं। पहले भी लोग संघर्षरत थे और आज भी संघर्षरत हैं, पहले भी लोगों की मृत्यु होती थी और आज भी होती है, और आज भी उतने ही दुखी हैं जितने पहले दुखी थे, यूं कहें कि आज ज़्यादा दुखी हैं। तो जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो नाना प्रकार के क्लेश हैं, त्रिविध ताप है, अधिभौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, तो इन समस्त प्रकार के क्लेशों से मुक्ति दिलाने के लिए शास्त्र हैं। यानी शास्त्र हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है। फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि शास्त्रों में भरोसा क्यों करना, नहीं भरोसा तो करना होगा, किसी भी कार्य की शुरुआत भरोसे से प्रारंभ होती है। एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण क्यों करती है, इस भरोसे में करती है, ठीक है बच्चा बड़ा होकर
बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरी सेवा करेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से कहो नहीं पहले आप मुझे ठीक करो फिर मैं भरोसा करूँगा। डॉक्टर क्या, अरे पहले तो तुम दवा लो, पहले तो भरोसा करो। तो वैसे ही हम गुरु के पास जाते हैं, पहले हमें भरोसा करना होगा। लेकिन हाँ, ये भरोसा अंधी श्रद्धा नहीं है, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, इसे कहते हैं रीजनेबल फेथ। तर्क के आधार पर हम विश्वास करते हैं कि हाँ, इस डॉक्टर से कई मरीज ठीक हुए हैं, इस इंस्टीट्यूशन से कई स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, कई को नौकरी मिली है, इस व्यक्ति ने कई लोगों का जीवन सुधार दिया है, कई लोगों का उद्धार हुआ है। तो कोई भी विश्वास तब रीजनेबल यानी कि तर्कपूर्ण विश्वास माना जाता है जो दो शर्तों को पूरा करता है। पहला शर्त है कि वो सेंसिबल होना चाहिए, सेंसिबल यानी कि उसका कुछ अर्थवत्ता होनी चाहिए, और दूसरा वेरीफिएबल होना चाहिए यानी उसे हम सिद्ध कर सकें। जैसे मानो कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर डॉक्टर मेरा पेट में बहुत दर्द है, बोला तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। अरे तो क्या संबंध है, ये पेट में दर्द है और पैर काटना पड़ेगा, तो सेंसिबल नहीं है, है ना। तो वैसे ही हर जो उपदेश दिए जाते हैं, भगवद गीता का जो उपदेश है ये बिल्कुल प्रमाणिक है, ये डॉगमेटिक नहीं है। डॉगमेटिक यानी हठधर्मिता नहीं है। भगवद गीता में ऐसी बातें नहीं कही गई हैं जो आपको माननी ही पड़ेंगी। भगवद गीता एक इन्विटेशनल स्क्रिप्चर है, आपको आमंत्रित करता है। भगवान गीता में कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह समस्त विद्याओं का राजा है, इसके हम प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। सुसुखम सुखपूर्वक संपन्न किया जाने वाला है, जबकि बाइबल है या अन्य जो स्क्रिप्चर्स हैं वे थोड़े डॉगमेटिक हैं, अब नहीं फॉलो करोगे अब नरक चले जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। पूरी गीता का उपदेश सुनाने के बाद भगवान अर्जुन को ऐसा नहीं कहते कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि इति ते ज्ञान अख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। अब मैंने तुम्हें गोपनीयों में भी सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान प्रदान किया, अब तुम विचार विमर्श करके यथे इच्छसी तथा करो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को हम एज ए मैनुअल स्वीकार कर सकते हैं। तो शास्त्रों की प्रमाणिकता में हम क्यों विश्वास करें, एक बहुत बड़ा विषय है। शास्त्रों में ऐसे कई बातें बताई गई हैं जो आज के समय में भी सत्य सिद्ध हुई हैं, यानी जो भी उसमें भविष्यवाणी की गई है अन्य शास्त्रों में भी पुराणों में, तो सारी बातें सही प्रमाणित हो रही हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वो देश काल से परे है, यानी यूनिवर्सल है, सभी लोगों के लिए मान्य है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता की वाणी का प्रचार किया और पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। और हम स्वयं भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि भगवद गीता की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं। तो इन कतिपय कुछ कारणों से पता चलता है कि शास्त्र और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता प्रमाणिक ग्रंथ है, इसका ज्ञान देश और काल की सीमा से परे है। तो इसलिए हमें कभी भी श्रीमद् भगवद गीता में संदेह नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की।